निकालना है यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर 5 टू द पावर x और 5 टू द पावर x dx। इसमें काम करते हैं, पुट करते हैं 5 का पावर 5 का पावर x इक्वल टू में t और इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 5 टू द पावर x, ठीक है ना जी, इंटू में log 5, बेस में ही दे सकते हैं, और इंटू में फिर 5 का पावर x का हो जाएगा 5 का पावर x और इंटू में log 5 और इक्वल टू में dt बाई में आपका dx। 5 टू द पावर 5 टू द पावर x इंटू में 5 टू द पावर x dx, इन दोनों को उधर लेके चले जाएंगे तो dt और y में आ जाएगा log 5 टू द पावर यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, दो बार है। चलिए तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ 5 टू द पावर, ये इस पूरे को हमने t सपोज किया है और ये जो है आया है dt y में log 5 का स्क्वायर, ये तो कॉन्स्टेंट है, इसे कोई दिक्कत नहीं है, इसको बाहर कर लेते हैं 1 बाई log 5 टू द पावर 2 इंटीग्रल ऑफ 5 टू द पावर t dt। इसका इंटीग्रल आप तो जानते ही हैं, क्या हो जाएगा भाई इसका इंटीग्रल, तो इसका हो जाएगा 5 टू द पावर t और y में log 5, ठीक है ना जी, प्लस में c। तो यहाँ से अब t का वैल्यू यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, तो t का वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये है, इसको रख देते हैं 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5 टू द पावर x और y में नीचे हो जाएगा log 5 का क्यूब, दो बार और एक बार, तीन बार हो जाएगा, और प्लस में c आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।